अच्छा चल रही है और लेफ्ट का पर वहां पर वो पढ़ाई कर। आप ये देखें कि भारत में जो पढ़ने योग्य विद्यार्थी की समुदाय की जो संख्या है वो निरंतर बढ़ रही, और जो जनसंख्या का अनुपात अगर आप देखें तो उसमें आप पाएंगे वो निरंतर और पढ़ने वाली है। भारत युवतर होता चला जा रहा, शायद 65% के करीब जनसंख्या उसी तरह की कुछ दिनों में हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति में इनको आप कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ पर वो शिक्षा प्रदान करेंगे? विद्यालय की सीमा है, आप इतने विद्यालय पैदा ही नहीं कर सकते। तो इस टेक्नोलॉजी का उपयोग मैं समझता हूँ शिक्षा प्रक्रिया में पूरक रूप में और विकल्प रूप में दोनों रूप में हमको करना पड़ेगा, कोई हमारे पास और विकल्प नहीं है। आप विद्यालय इतना तत्काल खड़े नहीं कर सकते, कुछ विद्यालय बहुत खुल गए हैं लेकिन वो भी अपर्याप्त। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की जो ऑनलाइन शिक्षा में मैं देख रहा हूँ, कम से कम तैयारी के दृष्टि से गुणवत्ता काफी महत्वपूर्ण है। MHRD ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, उदाहरण के लिए EPG पाठशाला है। मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूँ, मैं वर्धा में कुलपति के रूप में था तो यह दायित्व मुझे मिला कि हिंदी के मास्टर लेवल के पाठ्यक्रम के लिए 7 प्रश्न पत्रों के लिए और एक एक प्रश्न पत्र के लिए 40-40 व्याख्यान और बड़े अधिकारी विद्वानों के, और उसका लिखित रूप भी है, उस पर प्रश्न भी है, समस्याएं भी है, वो आगे क्या पढ़ना है यह भी उसमें दिया हुआ है। तो एक व्याख्यान केवल व्याख्यान मात्र नहीं है, पूरा संपुटित पूरी चीजें हैं। और ऐसे 280 पाठ हमने तैयार करवाए और ये सब इजी पाठ EPG पाठशाला, इतने संसाधन 2000 के करीब पाठ्यक्रमों को ध्यान में रख करके स्वयं की कल्पना जो प्लेटफॉर्म है उसकी कल्पना की। इसी प्रकार से ई यंत्र है, ई कल्प है, तमाम तरह के ऐसे प्रयास जारी हैं जो कि आपको बहुत अधिक प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि बहुत सारे जगहों पर बड़े ही निम्न स्तर के पाठ्य सामग्री का उपयोग विद्यालय और महाविद्यालय में हो रहा है, अध्यापक भी कई जगह नहीं है और कैसे पढ़ाई हो रही है ये कहने की आवश्यकता नहीं। तो उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन ले आना बड़ी भारी आवश्यकता, और इस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वह गुणवत्ता को स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रामाणिक रूप से मैं देख रहा हूँ, अगर उस सामग्री का उपयोग किया जाए तो छात्र को और अध्यापक दोनों को अपनी भूमिका पुनः परिभाषित करनी पड़ेगी, वो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। अध्ययन जो है, चिंतन जो है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का, क्रिएटिविटी का, रचनाशीलता का महत्व जो है अपेक्षाकृत कम हो चला है। आप कुछ प्रश्न पढ़ लीजिए और बड़ी से बड़ी परीक्षा पास कर लीजिए, आपको स्वयं विचार करके सृजनात्मक रूप से कोई कार्य नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए तो इस दृष्टि से हमको कुछ विशेष लाभ मिले। लैब भी उसमें वर्चुअल लैब भी है बनी हुई विज्ञान के लिए, कहाँ तक हो सकता है सबकी सीमाएं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब तक इस प्रकार की पद्धति का उपयोग हो, जो कक्षा की पद्धति है जहाँ पर जीवित समाज के साथ संपर्क है, उसका कोई विकल्प नहीं है, वह बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं समझता हूँ उसको फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत है कि कितना हिस्सा उसमें किया जाए, शायद वैल्यू का जो पक्ष है वह वहाँ पर दिखाई पड़ता है। सामाजिक रूप से जुड़ करके कोई कार्य करना, इसका अवसर दिया जाए, हमको लगता है कि समुदाय और विद्यालय को जोड़ने की आवश्यकता है। खेत और खलिहान में क्या होता है, नगर के शहर के विद्यार्थी कुछ नहीं, गेहूं और धान में अंतर नहीं, उनको पता ही नहीं है कि दुनिया क्या होती है और किस तरह की उनकी आवाज होती है, पेड़ पौधे किस प्रकार के हैं, उनके परिवेश से भी उनको ज्ञान नहीं है। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति है वह जो बोध शिक्षा के ऊपर पढ़ रहा है और पढ़ने वाला है,
श्री रामचंद्र झा जी ने बताया था कि कितनी संख्या जो है वो झा जी ने या वाजपेयी जी ने कि प्राइवेट में संख्या किस प्रकार से पड़ ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है कि उसकी गुणवत्ता कैसे अब तो यूजीसी ने भी कर दिया है कि आप एक अंश जो है वह इस तरह के पाठ्यक्रम कहीं से भी आप करके उसका प्रमाण ले सकते हैं, उसकी क्रेडिट आपको मिल सकती है, विषय 20% आप पाठ्यक्रम में एक पेपर में अपना हिसाब रख सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसका उपयोग करना जो है बड़ा आवश्यक है और अगर हम खड़े नहीं होते तैयार नहीं तो बड़ा मुश्किल है और ज्ञान का उपयोग कैसे किया जाए, सृजनात्मक रूप से कैसे हम ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हों जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट समन्वित विकास एकीकृत विकास जो भिन्न भिन्न हमारे स्तर है जीवन के उनको संबोधित किया जाए, न कि केवल एकांगी अर्थकरी विद्या ही विद्या है। मैं समझता हूँ बड़ा भारी क्रम है और ये बड़ा नुकसान दे रहा है हमारे और हमको लगता है कि इस दिशा में गंभीर रूप से पहल करने की आवश्यकता है वैचारिक रूप से और शिक्षा की पद्धति जिस हमारी प्रकार की है कि अध्यापक ने कुछ विषय के कुछ बिंदुओं को विद्यार्थी को बता दिया चटा दिया समझा दिया और उसने फिर उसको रिप्रोड्यूस कर दिया परीक्षा में और वह अध्यापक ने जैसा सोचा था वैसा ही रिप्रोड्यूस किया तो वह प्रथम श्रेणी का विद्यार्थी। इस पूरे प्रक्रिया को यदि आप देखें तो स्थापित जिसमें कि सीबीएसई में 95-99% नंबर पर आ रहा क्या। मैं समझता हूँ शिक्षक प्रक्रिया में जब तक सृजनात्मकता का सन्निवेश नहीं होगा निवेश नहीं तो उसको नहीं ले आएंगे तब तक हम ऐसे सृजनशील व्यक्ति का निर्माण नहीं कर सकते हैं जिनकी हमारे देश में आवश्यकता है। हमारी शिक्षा प्राय रिप्रोडक्शन की पद्धति पुनरुत्पादन की पद्धति के ऊपर ही केंद्र हो चली है तो हमको लगता है कि जिस कॉम्पिटेंस की चिंता है और जो भिन्न भिन्न स्तरों पर हमारी कॉम्पिटेंस है उसको पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता और ये जो टेक्नोलॉजी है वह हमको बहुत छूट देती है कि अपनी रुचि के अनुसार किस विषय का हम अध्ययन करें। स्वयं प्लेटफॉर्म पर जितने पाठ्यक्रम है उसके लिए कोई फीस नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसका अध्ययन कर ऐसे ही और भी जो पाठ्यक्रम स्वयं प्रभाव टीवी पर बहुत सारे विषयों के पाठ्यक्रम जो है वो चलने वाले हैं। पोखरियाल जी एक दिन बता रहे थे कि किस तरह से वो आगे प्रयास कर रहे हैं एक एक कक्षा के लिए पूरी कक्षा ही कैसे उस पर चलाई जाए इसके विषय में विचार किया जाए और शायद भविष्य में ऐसा उपलब्ध हो तो शिक्षा को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका जो प्रसार है उसका एक नया आयाम आने वाला है जो परिस्थितियां बदलने वाली है। कोरोना वायरस के कारण जो परिस्थितियां आई हैं वो हमको विचार करने के लिए बाध्य कर लेकिन हमारी चिंताएं कोरोना वायरस से कहीं अधिक व्यापक इसके पहले भी जिस प्रकार की हमारी शिक्षा चल रही थी वह संतोषदायी नहीं थी तमाम से ऐसे आयाम इसके हैं जो कहीं खंडित हैं और एकांगी व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का निर्माण जो अपने परिवेश से और अपनी व्यापक सत्ता से दूर सके केवल अपने लिए जीना जो है वह जीना नहीं है और इस प्रकार के बोध का विकास कैसे हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग किस प्रकार किया है क्योंकि एक बात बड़ी स्पष्ट है कि अर्थ की समृद्धि जो है वह क्या कर रही है इसका आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध है। लगभग 90-100 देशों में इस तरह का विवरण डेटा जो है वह कलेक्ट किया गया कि आर्थिक समृद्धि और जीवन में संतुष्टि का क्या संबंध है और आर्थिक समृद्धि तो ऊपर धीरे धीरे ऊपर बढ़ती चली गई लेकिन जो
जीवन में संतुष्ट की अनुभूति थी, जो लाइफ सेटिस्फेक्शन था, उसकी मात्रा जो है वो उत्तर नहीं पड़ रही और एक समय के बाद तो वो ठप हो गई। एक बड़ा चित्त प्रश्न कि जो खुशहाली है, जो हैप्पीनेस है, वह केवल आर्थिक समृद्धि से नहीं है, वह हमको कुछ और चाहती है। हमारे अपने अंतर जगत को भी समृद्ध करना चाहती है, हमारे विस्तृत जगत को भी समृद्ध करना चाहती। अब देखता उठा करके देख लें कि जितने भी विकासशील हैं, जिनको आप विकसित का नाम दे चुके हैं, तो उन देशों में मानसिक रोगों की आदि और व्याधि दोनों खूब बहुत प्रचुर मात्रा में वहां पर उसका विस्तार हुआ है। अपेक्षाकृत उन देशों में मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और कुछ हद तक सद्भाव भी मैं कहूंगा बना हूं। समाज में भिन्नता जहां पर है, वहां पर कुछ न कुछ तनाव थोड़ा मना बना है, कुछ संकट बने रहे, यह बड़ा स्वाभाविक है। और अपनी अस्मिता को हम प्रायः समाज अपने समुदाय से जोड़ लेते हैं और उसके नाते भिन्नता पैदा होती है और अपने समुदाय को हम अच्छा मानते हैं, उसे समुदाय अपने को अच्छा मानता है। अब उसके नाते भिन्नता के नाते संघर्ष, यह हमको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भिन्नता बड़ी स्वाभाविक है, हमारा ज्ञान बड़ा सीमित है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, तो हमको आंशिक ज्ञान ही प्राप्त होता है। कहते ज्ञान तो एक है लेकिन उसको भिन्न भिन्न रूपों में लोग देख रहे हैं। एकम सद विप्रा बहुधा बदलती, यह भिन्नता है, इसका इसको समझना बड़ा आवश्यक। तो इस विविधता को भी स्वीकार करो, लेकिन एक ही सत्ता की, एक ही चेतना की प्रस्तुति है भिन्न भिन्न रूपों में, हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा और कहीं न कहीं हमको ये यत्न करना पड़ेगा कि हमारा जो व्यक्तिगत विकास है, शिक्षा के द्वारा जो व्यक्ति का विकास होता है, उस विकास में उसकी निजी सत्ता का भी विकास हो और उसकी व्यापक सत्ता का भी विकास हो और उन संबंधों को कैसे निर्वाह किया जा सके समाज से, परिवार से और परिवेश से, पर्यावरण से, प्रकृति, क्योंकि ये सब कहीं न कहीं आपको हिंद ब्रह्मांड में कहीं कहीं समानता है। माइक्रोकार्ड और मैक्रोकार्ड में समानता है। अंतु बच्चा जो हमारे शरीर का निर्माण है और तो निर्माण उन्हीं तत्वों से है जो कि जीवन में जगत में तत्व मौका बहुत जगह इस तरह की चर्चा हुई तत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीन जो विशेषता है वह तीन रूपों में उपलब्ध है, व्याप्त है पूरे चराचर जगत को देखने समझने की आवश्यकता है। और जो लोभ है, मोह है, ये सब अगर हमारी शिक्षा दे रही है तो इससे मोक्ष नहीं होगा, इससे तो कष्ट ही बढ़ने वाला, एक बड़ा भारी सत्य है। और इस सत्य का अनुभव प्राय हम अपनी शिक्षा में नहीं करते और तमाम सारे व्यवधान मैं समझता हूँ कि जो हमारी चेतना है उसको जगाने की आवश्यकता है, शिक्षा को उस दृष्टि से संपादित करने की जरूरत है और इस टेक्नोलॉजी का उपयोग उसमें कैसे किया जाए यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और समय के साथ यह टेक्नोलॉजी की बदल है और टेक्नोलॉजी के साथ मनुष्य के स्वभाव में भी परिवर्तन है। अब आप देखें कितना समय हम किन चीजों में व्यतीत करते हैं, यदि आप इसका लेखा जोखा उठाएं तो आप पाएंगे कि निरंतर उसमें परिवर्तन होता आया। और अब देखिए हम सब लोग कितने लोग जुड़े हुए तो संपर्क और संवाद में हम जुड़े हुए हैं, ये सारी संभावना पहले नहीं, अब यह संभावना हो गई, इनका लाभ कैसे उठाया जाए, सत्कार्य सब दृष्टि से कैसे किया। लेकिन मुझे सबसे याद आया कि सदवृत्त जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, चरक संगीता में सदवृत्त की बात आती है और उसमें आचार भी है, विहार भी है, व्यवहार भी है, तो शिक्षा में इनका ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। और
टेक्नोलॉजी बहुत सारा काम कर रही है विद्यालयों में, कहीं न कहीं इनको अब अधिक महत्व देने की आवश्यकता। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। मैंने उन बातों को दोहराने की कोशिश नहीं, तो बड़ी अच्छी और स्पष्ट रूप से बिंदु जो है वो हमारे स्कूलों में रखे। और मैं समझता हूँ कि जो प्रश्न आए उनके ऊपर विचार होगा और उसे हमें स्मार्ग मिलेगा। मैं आपने सुना और मुझे अवसर मिला, मैं इसके लिए आप सबके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन धन्यवाद सर। आपका पूरा वक्तव्य सुन के तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने शायद टॉपिक जो है वो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन मुझे करनी चाहिए थी। डी थिंकिंग टू रीडिफाइनिंग एजुकेशन सिस्टम मुझे कर देना चाहिए था, क्योंकि प्रथम दो वक्ताओं ने जिस तरह से उसके ऊपर रीथिंकिंग का एक हमारे साथ खाका साझा किया था, जिस तरह का एक उन्होंने वक्तव्य हमारे साथ शेयर किया था, उसके आधार पर जिस तरह से आपने इसको पुनः परिभाषित किया है वो हमारे लिए बड़ा ही सुनना सुखकर था और सौभाग्य वाली बात थी, और हमें हमारी दृष्टि का विकास भी हुआ है। आपकी बातों से मुझे ये भी लगा कि एजुकेशन सिस्टम की दो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एक तो अर्थ के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, पहली अकाउंटेबिलिटी मुझे लगता है अर्थ के लिए होनी चाहिए, और दूसरी ह्यूमैनिटी के लिए। शायद इन्हीं दो पैरामीटर्स के ऊपर हमें दोबारा से सारे के सारे एजुकेशन सिस्टम को जो है रीडिफाइन, रीथिंकिंग टू रीडेफिनेशन जो है उसको चलना होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और एक बात मुझे और आपकी बड़ी अच्छी लगी, और एक जगह आपने कहा कि ज्ञान बहुत असीमित है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए तो ज्ञान बहुत सीमित है, नॉलेज इज लिमिटेड बट इग्नोरेंस इज अनलिमिटेड, और शायद यही एक संघर्ष है जो हमें अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है कि अपने सीमित ज्ञान को हम किस तरह से विकसित करें। और आप जैसे तीनों लोगों के वक्तव्यों से हमारा जो सीमित ज्ञान है वो और अधिक विकसित हुआ है, अग्रसर हुआ है, उसके लिए आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि यदि किसी का कोई प्रश्न हो, सटीक संक्षिप्त और सार्थक प्रश्न यदि हो तो वो हम दो तीन लेंगे, क्योंकि समय जो है वो लगभग 12:15 हो गए हैं, 12 बजे तक हम इसको समाप्त करेंगे। और डॉक्टर पीयूष जी अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो आप लिंक इसमें डाल सकते हैं ताकि लोग अपने सर्टिफिकेट के लिए अपना अपना फॉर्म भर सकें। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपनी बात किसी भी वक्ता के साथ शेयर कर सकते हैं, नहीं है तो मैं सर एक मेरा प्रश्न है। आप अपने को परिचित करवाएं। जी मेरा नाम भास्कर दुबे है, अभी वर्तमान में MBBS के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और स्कॉलर हूँ, UGC नेट क्वालिफाई किया हुआ है और मास्टर हूँ पॉलिटिकल साइंस से। जी सर एक छोटे संक्षिप्त में दो छोटे से प्रश्न थे। एक तो ये था कि रोजगार भी आवश्यक है और क्या ऑनलाइन शिक्षा से इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान शिक्षा कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन पे होगी तो तकनीकी में बहुत ज्यादा जरूरत निकल जाएंगी और ह्यूमनिटी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हो जाएगी शिक्षा में। दूसरा ये है कि आजकल जो व्यवस्थाएं हैं इंटरनेट व्यवस्था और तकनीकी बहुत ज्यादा अभाव है, जैसे कि नेटवर्किंग का मसला हम अभी देख पा रहे हैं और एक निश्चित डेटा हमारे पास अवेलेबल है, हम बहुत बड़ी क्लासेज ज्वाइन नहीं कर सकते हैं जहाँ तक कि 1.5 GB 2 GB में मैक्सिमम जो लोगों के पास अवेलेबिलिटी है वो बहुत संक्षिप्त, उसमें हम कहीं ना कहीं इस चीज की समस्या से जूझेंगे और अभी भारत इस तरीके की समस्या में थोड़ा है, तो ये दो थोड़े से प्रोफेसर संजय एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज वेरी पर्टिनेंट एंड मैं ये समझता हूँ कि इसका उत्तर बहुत जल्द आपके सामने होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कोर्सेज
will be job oriented in coming days. और ऐसी कोई बात नहीं है कि जॉब का कोई मतलब एक क्राइसिस आने वाला है, बिकॉज दे विल टीच व्हाट आवर स्टूडेंट्स आर सपोज टू, यू नो, हमारा जो लर्निंग आउटकम होगा करिकुलम का, उसको ध्यान में रखते हुए भी हम मतलब कोई करिकुलम को डिजाइन करने जा रहे हैं. सो आई डोंट सी इन इमीडिएट, आई मीन फ्यूचर की मतलब एनी क्राइसिस ऑफ जॉब मार्केट विल बी देयर. जहां तक मतलब और मतलब चिंताओं की बात है, मैं समझता हूं कि वी ऑल नीड टू सिट टुगेदर एंड ड्राफ्ट अ प्लान और प्रपोजल, एंड डेफिनेटली वी आर नॉट पॉलिसी मेकर्स, बट डेफिनेटली वी कैन एड्रेस आवर कंसर्न टू द पॉलिसी मेकर्स हु कैन, यू नो, गिव अ प्रॉपर थॉट एंड वर्क अकॉर्डिंगली. सो वी आर स्टिल, यू नो, इन अ काइंड ऑफ वेट एंड वॉच मोड. सो इट्स लिटिल, यू नो, प्रीमैच्योर टू जंप टू एनी कंक्लूजन की वॉट द फ्यूचर विल बी लाइक. So we have to wait. It's also possible that we can revert to our, you know, traditional format also. God willing, things will be all right. I think the rest can be addressed by you, sir. जी, चलो. अभी और भी प्रश्न है, किसी और का कोई प्रश्न है तो मनोज शर्मा जी. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आप प्रश्न बोलिए. हाँ जी, बात कर पद्धति अर्वाचीन शिक्षा पद्धति में हम किसको सटीक माने के में आप बात बहुत स्पष्ट नहीं है. शिक्षा प्रदर्शन आपका आवाज कट रही है. आप अपना वीडियो ऑफ करके प्राचीन शिक्षा पद्धति. हाँ जी जी जी, जो प्राचीन शिक्षा पद्धति हमारी है और अर्वाचीन शिक्षा पद्धति में गुणवत्ता की दृष्टि से हम किसे ज्यादा उपयुक्त माने, ये मेरा प्रश्न है. जी, डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी सीधे सीधे प्रिंसिपल हैं और इन चीजों के साथ वो डील भी कर रहे हैं. आई विल रिक्वेस्ट हिम टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन. डॉक्टर प्रमोद जी, सर, आर यू लिसनिंग? नमस्कार सर. सर, डॉक्टर विश्वजीत कॉलेज बोल रहे. हेलो, एक मिनट डॉक्टर विश्वजीत जी, एक सेकंड डॉक्टर साहब रिस्पॉन्ड कर लें. सर, डॉक्टर विश्वजीत फ्रॉम डीएवी कॉलेज बोल रहे. जी जी जी, थिंक वेट सर, तब तक प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद भी अपने रिस्पॉन्ड कर लें पहले क्वेश्चन को. जी सर. दोस्त जी, सवाल बहुत अच्छा है और जहाँ तक मेरा मानना है कि प्राचीन और अर्वाचीन में कोई युद्ध नहीं है. जी, एक जरूरत है, जैसा कि हमारे सम्माननीय डॉक्टर गिरीश जी मिश्र ने बहुत विस्तार से उसको कहा है कि सब कुछ ऐसा नहीं है कि प्राचीन ही जिसको छोड़ा जा सके, और सब कुछ ऐसा नया भी नहीं है कि जिसको समाहित किया जा सके. तो एक समन्वित ज्ञान और समन्वित शिक्षा की आवश्यकता है, जिसमें हम अपने प्राचीन को सस्टेन करते हुए और जो नई शिक्षा है उसको हम ले सकें, क्योंकि हमें नए जमाने में रहना है. दूसरी बात ये है कि जो चुनौतियां आज की हैं, उन चुनौतियों को हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से शिक्षा के माध्यम से हम उन चुनौतियों को एड्रेस कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट ये है कि आज की शिक्षा हमें सशक्त नहीं कर रही है, इनेबल नहीं कर रही है. मान लिया ये कोरोना ही है, विश्वविद्यालयों की तरफ से इसका जवाब नहीं आ रहा. अगर अभी पीछे हम एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर डिस्कशन में थे और वहां पर ये एक बात कही गई कि जो विश्वविद्यालयों का जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा है रिस्पॉन्स. जी, तो विश्वविद्यालयों को जो भी समस्याएं देश या दुनिया फेस कर रही है उनके प्रति बहुत जागृत भाव से आगे आना चाहिए. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शायद जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके लिए न तो हमारे शिक्षक तैयार हैं और न ही हमारे विद्यार्थी तैयार हैं.
और हम एक तरह से एक रोड लर्निंग करते चले जा रहे हैं। वही हमारे पिताजी ने पढ़ा था, वही हम पढ़ते चले जा रहे हैं थोड़ा बहुत नवीनता के साथ से। तो और ये जॉब के लिए शिक्षा है, अगर हमें ये तैयार किया जाता है कि आपको एक नौकरी मिल जाएगी इसलिए आप शिक्षित होइए, आप एक सशक्त इंसान होइए, अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकिए, इसके लिए आपको तैयार नहीं किया जा सकता। मैं एक संक्षेप में एक छोटी सी बात आशुतोष जी शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ फैमिली काउंसिलिंग का काम चलता है और मेरी पत्नी फैमिली काउंसिलर है, और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली और गुड़गांव और कहां से बड़े बड़े कारपोरेट के केसेस हमारे पास आते हैं, जिनको ये नहीं पता कि अपने फैमिली की प्रॉब्लम या अपने बच्चा जो हमारा बच्चा हमारे कहे में नहीं है उसको किस तरह से समझाए या किस तरह से डील करे। तो उसके लिए लोग आ रहे हैं कि मेरी पत्नी से मेरा विवाद है या मेरी पत्नी से मेरा तारतम्य एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, प्लीज गाइड मी, या मेरा बच्चा अलग तरह से जा रहा है, मेरी इच्छा से नहीं काम कर रहा है या मेरे ऑब्जेक्ट के मुताबिक नहीं चल रहा है, तो प्लीज गाइड मी। अब देखिए इन चीजों के लिए ही तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तैयार होता था कि जिंदगी के जो जुड़ी समस्याएं हैं उनको आप या तो खुद उसको हल खोज लीजिए इतने शिक्षा के माध्यम से सक्षम होइए, या फिर अपने गुरुजनों के पास चले जाइए, वो आपको रास्ता बताएंगे। लेकिन न तो अब गुरु, तमाम सारे शिक्षक लोग हैं जिनके घर की स्थिति बहुत खराब है, वो अपनी व्यक्तिगत समस्याएं, अपनी पारिवारिक समस्याएं, सामाजिक समस्याओं में तो उनका क्या सहयोग होगा जब वो उसी में उलझे हुए हैं। तो मेरा मतलब ये है कि शिक्षा जो हमें सूत्र हमारे प्राचीन शिक्षा से मिलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, उनको लेते हुए हमारे करिकुलम डिवाइस करने पड़ेंगे मॉडर्न टाइम्स में, सो दैट हम जिंदगी जीने के लिए उपयुक्त हो सके। अभी हम सिर्फ कमाने के लिए, जिसकी चर्चा भी हुई है हमारे विद्वानों के द्वारा, कि हम सिर्फ कमाई एक मशीन बनते जा रहे हैं, यंत्र कमाने के बनते जा रहे हैं। हम इस तरह से नहीं हो रहे कि हम अपनी समस्याएं तो सुलझाएंगे लेकिन अपने समाज के, अपने जो पर्यावरण है हमारे चारों तरफ, उसकी भी समस्या सुलझाएंगे। यही बात है सर कि कॉन्शियस चॉइस करने के लिए हम तैयार नहीं कर पा रहे, हम कॉन्शियस चॉइसेस को लेके जा रहे हैं। सर धन्यवाद आपका। और एक अंतिम प्रश्न जो कॉलेज से ले रहे हैं, हाँ जी वो अंतिम प्रश्न लेंगे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर। हेलो जी। सर महाराष्ट्र स्टेट से भी बोल रहा हूँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज गो हेड। हेलो सर। यस सर, प्लीज गो हेड। हाँ तो हम आपकी आवाज कटी है प्लीज। ऐसा क्या तो कि आगे जा के एजुकेशन के दो भाग करने चाहिए, क्वेश्चन जो है ना वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी आवाज कट रही है। सर आप अपना क्वेश्चन है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब तक हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, एक आखिरी प्रश्न। हाँ जी सर, विश्वजीत जी। जी सर, मेरा ये प्रश्न है, हमने दुनिया भर के नेशनल वेबिनार हमने आयोजित कर लिए हैं और कर रहे हैं, लेकिन क्या सर इसके लिए हमारी सोसाइटी है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेन पार्ट है इसमें, क्या इसके लिए तैयार है? हम लोगों को तो आप तैयार कर दोगे सर ट्रेनिंग देकर, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि हमारी सोसाइटी इसके लिए तैयार है, तो उसके लिए सर हमें क्या करना चाहिए? सर ये मेरा मूल प्रश्न आपसे ही होना चाहिए। मैं चाहूंगा, मैं तो आपसे भी बात कर लूंगा, मैं चाहूंगा कि अंतिम वक्तव्य जो है वो प्रोफेसर दिनेश्वर मिश्र जी इस पे दें कि क्या स्टूडेंट करेंगे, हमारी तो ट्रेनिंग कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं ट्रेनिंग शब्द से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि शिक्षण और विद्या में जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था बहुत अंतर है। हमारी परसेप्शन, हमारा रिस्पॉन्स क्या हो ये हमें चाहिए था, एक इंटेलिजेंस वॉज रिक्वायर्ड, नॉट इंटेलेक्ट। लेकिन मैं इधर भी कहूंगा कि गिरीश्वर मिश्र जी आप प्रश्न का उत्तर दें, क्योंकि मैं तो आप पास पास ही है, बात इस पे करेंगे। ओके।
प्रोफेसर दिनेश्वर ने हेलो सर अंतिम जी हाँ सर मैं सर आप जी मैं समझ रहा हूँ आपकी आवाज नहीं है, आप अपना प्रश्न जो है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहाँ पे इनको पढ़ दूंगा। प्लीज पुट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स, आई रिक्वेस्ट यू। सर गिरीशो मिश्र जी 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 सर इसको बहुत संक्षेप में आप रिस्पॉन्ड करें और फिर हम इसका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक डायकॉटमी हमने बना रखी है कि ये प्राचीन है और ये नवीन है। मेरा ख्याल है कि जिसको प्राचीन कर रहे हैं वो तो चिर नवीन है, वो शाश्वत है, वो मानवता के प्रश्न है जो केवल प्राचीन नहीं है, जो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये लेबलिंग जो है वो बड़ी मुश्किल पैदा कर देती है। एक एक बड़ा हमारे मन में ये प्राचीन है, प्राचीन का मतलब पिछड़ा है, प्राचीन का मतलब अनावश्यक है और समकालीन के विरुद्ध है। मुझे नहीं लगता कि वे प्रश्न जो है वो इस दृष्टि से देखे जाने का है। तो एक तो हम लोग बातचीत की जो शैली है उसमें ये स्पष्टता आनी चाहिए कि वे ऐसे मूल्य हैं जिसका भौगोलिक महत्व किसी भी देश किसी समाज के लिए वे महत्वपूर्ण है। और ये अद्भुत बात है जिनको आप प्राचीन कहते हैं, वे सारी की सारी शब्दावली किसी जाति विशेष के लिए नहीं, ये मनुष्य मात्र के लिए है, वह जीव मात्र के लिए। तो ये हम लोग के वैचारिक चिंतन में भाषा के प्रयोग में यह बात ध्यान में आनी चाहिए। और दूसरी बात जो कि कई जगह से आई वो ये है कि शिक्षा और रोजगार का क्या संबंध है। यह एक कठिन प्रश्न है जो हमें देखना पड़ेगा। उसका कारण यह है कि रोजगार आप कहाँ कहाँ पैदा कर रहे, किन क्षेत्रों में रोजगार है और कहाँ पर रोजगार नहीं है। आप गणना कर लीजिए कि बीटेक और एमबीए कितने अनएम्प्लॉयड है। अब क्योंकि उनको हम प्रोफेशनल और व्यवसाय के रूप में मानते हैं इसलिए वहाँ पर चलन हो गया कि वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर आप करो। कृषि को हमने व्यवसाय का दर्जा नहीं दिया, वह महत्व नहीं दिया और वहाँ पर कोई देखने सुनने वाला नहीं। मैं समझता हूँ कि यह एक नीतिगत प्रश्न हमारे सामने है कि जॉब मार्केट का स्वरूप क्या हो। अब एक चलन आ पड़ता है तो सभी विद्यार्थी सभी अध्यापक जिसको देखो परिवार में सब कहते हैं नहीं यही कर, जो बच्चे का रुचि है, जो उसका स्वभाव है, प्रकृति है, यह सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। किसमें वह अच्छा कर सकता है यह भी विचारणीय प्रश्न होता है। विषयों का चयन, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जहाँ पर रहता था वहाँ पास में ही मुखर्जी नगर है जहाँ पर शायद 50-60 हजार बच्चे रहते हैं, नाना प्रकार के पाठ्यक्रमों में तैयारी कर रहे हैं कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में आएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके माता पिता पैसा दे रहे हैं बिना विचार किए कि उसमें उनकी गलती है या नहीं, लड़के को आप जबरदस्ती कुछ पढ़ा। एक बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि रोजगार को और शिक्षा को किस तरह से जोड़ा जाए। एक सामाजिक प्रश्न है और यह परिवार में विचार करना चाहिए, अभिभावकों को विचार करना चाहिए कि बच्चे को कैसे मुक्त रखा जाए इस तरह के विभिन्न प्रभावों से और अपनी रुचि के विकास को कैसे अवसर दिया है। जी। और अवसर किस प्रकार के प्राप्त होंगे यह नीतिगत प्रश्न है जिसके ऊपर हमको अपनी बात रखनी चाहिए, सरकार के पास भी रखनी चाहिए और अवसरों को विस्तृत करने की आवश्यकता है। और जैसा कि हम लोग चर्चा में देख रहे थे टेक्नोलॉजी का मनुष्यता के निर्माण में प्रयोग कैसे किया जाए यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है जिधर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ बहुत सारे बिंदु हमारे सामने आए हैं जिनको आशुतोष जी एकत्र करेंगे और उसका एक विवरण तैयार करेंगे और हम सबसे
शेयर करेंगे और छात्रों के पास भी पहुंचाएंगे और अध्यापकों के पास भी पहुंचाएंगे और इस आयोजन के लिए मैं मुझे प्रति हार्दिक आभार। धन्यवाद सर, प्रयास रहेगा, कोशिश करते हैं, देखते हैं कि मैं क्या कर पाता हूँ। और आज का ये सत्र समाप्त करने से पूर्व मैं धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए बोर्ड ऑफ थैंक्स के लिए डॉक्टर गुरिंदरजीत कौर जी, जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज यमुनानगर से, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। और उससे पूर्व फॉर्म जो है सर्टिफिकेट के लिए फीडबैक फॉर्म, वो हमने बीच में डाल दिया हुआ है, आप लोग उसको भर सकते हैं। गुरिंदरजीत कौर जी, जी मैम, नमस्कार सर। सर ऑडिबल हूँ मैं? जी जी बिल्कुल। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे इस विशेष दिन पर धन्यवाद का भाषण देने का अवसर प्राप्त करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। इससे पहले कि मैं सभी सम्मानित विद्वानों का धन्यवाद करूं, मेरा सबसे पहला धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष जी को है, जिन्होंने ये वेबिनार का आयोजन किया है। और धन्यवाद इसलिए भी कि मुझे इन महान विद्वानों का को सुनने का मौका मिला है। मैं सभी सम्मानित विद्वानों डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी, डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी, डॉक्टर संजय झा को धन्यवाद देना चाहूंगी। हमें इस वेबिनार से सनातन धर्म कॉलेज और अन्य भाग लेने वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को बहुत से नए विचार मिले हैं। सर, मेरे पास शब्द आपको ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि यह वेबिनार हमारे पाठ्यक्रम को, उन चुनौतियों को और विचारों को आगे ले जाने में कैसे मदद कर रहा है। डॉक्टर वाजपेयी ने अगर कहा है कि हमें एक बायोलॉजिकल ह्यूमन बीइंग से एक ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म करना है, तो दूसरी तरफ डॉक्टर संजय कुमार झा जी ने एक ह्यूमन बीइंग को बेटर स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी ने कहा है कि मनुष्य होने के लिए मनुष्य के कॉन्टेक्ट में होना आवश्यक है और जरूरत है तो ज्ञान की और सृजनात्मक विज्ञान की, बहुआयामी विकास की जरूरत है। हमारे आज के विद्वानों ने बिल्कुल सही कहा है और हम मानते भी हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं, और अगर ज्ञान जानने की इच्छा पैदा करता है तो यह इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। डॉक्टर मिश्रा जी ने बताया कि हम तख्ते से कलम, कलम से पेन और पेन से आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ भी चलना है। सर, एक कोशिश करते हैं इंटरनेट से इंटेलिजेंस की तरफ चलने की, जैसा कि डॉक्टर आशुतोष ने कहा था, एक प्रयास करते हैं, एक कोशिश करते हैं। सर, वी आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसा कि डॉक्टर झा ने कहा है कि हमें अंडर प्रिविलेज और प्रिविलेज विद्यार्थियों का भी ध्यान रखना है। हमारे आज के सब विद्वानों ने ज्ञान और विज्ञान का बैलेंस बनाने के लिए कहा है, और मुझे लगता है सर कि मैं शायद एक छोटा सा बहुत सूक्ष्म उदाहरण भी हूँ, क्योंकि सर मैं एक साइंस के प्राध्यापिका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के वेबिनार नियम को मैं सुन सकती हूँ। हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत दूरगामी होगा, शिक्षा के क्षेत्र में इस पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। एक प्रयास गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज ने किया था 7 मई को, जिसका आज वर्तमान समय दृष्टिगत विश्व भर के शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग और अध्यापक भविष्य की पीढ़ियों को कैसे शिक्षित किया जाए, इस पर चिंतन मनन किया गया और आज सनातन धर्म कॉलेज इसी विषय को आगे एक्सटेंड किया है।
कोई दो राय नहीं कि माहौल नॉर्मल तो होगा, पर ये नॉर्मल एक नया नॉर्मल होगा। हम अभी तक इम्पल्सिव ट्रेनिंग और कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम से ही एज कर रहे थे, लेकिन सडन चेंज एंड सडन क्राइसिस लूमिंग ऑन अस इज डिस्टर्बिंग अवर लाइफ एंड पर्टिकुलरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। वी आर फोर्स टू टेक ए क्वांटम लीप एंड एम्बेस एजुकेशन सिस्टम एंड वी हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग टू दी डिजिटल ऑल्टरनेटिव्स। जैसा कि डॉक्टर मिश्रा ने कहा है, बिल्कुल सहमत हूँ मैं कि वी आर द टीचर एंड वी आर द यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वी हैव टू अपग्रेड अवर स्किल। हमें ये सीखना है क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अपनी स्किल को एनहेंस करने के साथ साथ पॉजिटिव भी रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग देयर आर मेनी पीपल विच फाइंड गुड इवन इन द बैड, बट वी हैव टू फाइंड गुड इन द बैड। परहैप्स द वर्ल्ड में नेवर गो बैक टू व्हाट इट वॉज प्री पैंडमिक, बट वी कैन काउंट ऑन इट योर डॉग टू द फ्यूचर इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट कंटेन्स। स्टूडेंट्स को इफेक्टिव करिकुलम मटेरियल प्रोवाइड करने की जरूरत है। कोविड 19 ने एक कैटालिसिस का काम किया है एंड फॉर अ चेंज दैट हैज बीन लॉन्ग स्टैंडिंग, और हमें नई अप्रोचेस को अडॉप्ट करने का मौका दिया है। मौका अच्छा तो नहीं है, परंतु कि कोविड जो लॉकडाउन की वजह बना है, इसमें हमें एक नई दिशा ढूंढने और एक दशा को निर्धारित करने का मौका दिया है, जिसे हम सब शिक्षकों और हमारे सारे विद्वान जनों को मिलजुल कर ही ढूंढना होगा। और हर विद्यार्थी के लिए, चाहे वो रूरल या अर्बन एरिया से हो, शिक्षण प्रक्रिया में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को बहुत ही कम समय में हमें लाइन मिला। इसने एक शिक्षा शास्त्र के नए प्रारूपों को गति दे दी है। टीचर्स और इंस्टीट्यूशन सारे संस्थानों द्वारा पिछले कुछ सप्ताह में वर्तमान संकट युग की परिस्थितियों से तालमेल बिठाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, जिसका उदाहरण एक आज हम सबके सामने है। लेकिन अभी भी चिंतन करने की आवश्यकता है, चेतना को जगाने की जरूरत है। आज के परिदृश्य में सभी शिक्षाविद अपने दूर दराज में स्थित विद्यार्थियों से संपर्क स्थापित करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। इस संदर्भ में यदि देखा जाए तो इस प्रस्थिति के आंकलन और विश्लेषण करने का न यह केवल एक उचित अवसर है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के अध्ययन की दशा और दिशा को तय करने का भी समय है। और ये धारणा जो अपने विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करती है, अब 21वीं सदी की शिक्षा के उद्देश्य के लिए फिट नहीं है। विशेष रूप से सीखने के चार स्तंभों ज्ञान योग, कर्म योग, सहयोग और आत्म योग के परिप्रेक्ष्य में हम अपने छात्रों को नई राह दिखा सकते हैं और नई तकनीक कौशल सीखने से सक्षम बना सकते हैं। ये जितने भी हमारे क्रेडेंशियल्स हैं, इनफेक्ट हम इनको रीथिंक कर रहे हैं, अपने नई एजुकेशन सिस्टम में सम्मिलित भी कर रहे हैं। आफ्टर कोविड 19 वी नीड टू इनकॉर्पोरेट दीज सॉल्यूशन इनटू अवर एजुकेशन मॉड्यूल एंड प्रोसेसेस। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल शुड बिल्ड वर्चुअल लर्निंग इंटीरियर सिस्टम सो दैट देयर स्टूडेंट्स कैन कंटिन्यू टू लर्न। ये ही हमारे विद्वानों ने आज हमें प्रोजेक्ट किया है एंड आई एम कन्विंस्ड we will get through this pandemic. However, when it is all over, we should not return to the way it used to be. We must resolve to give the education system in our country a new phase driven by technology. जिस तरीके से हमारे आज के विद्वानों ने इस विषय में समझाया, वे अनुकरणीय है। मैं एक बार फिर से डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर वाजपेयी और डॉक्टर झा का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गुड ऑफ थैंक्स। थैंक यू सो मच। इससे पूर्व कि आप सभी को मैं मीटिंग छोड़ने के हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ कि कल इसी लिंक के ऊपर
महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्त के ऊपर कल सेमिनार है, यदि आप में से किसी की कोई रुचि हो तो वो 10:30 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग 2 घंटे का वो वेबिनार रहेगा। और अभिनव गुप्ताचार्य जो है उनका बहुत फिलोसफी में, आर्ट में, एस्थेटिक्स में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर की ओर से। उनके ऊपर कल मिथिला एकादशी के दिन उनका जन्म दिवस होता है, उस उपलक्ष्य में प्रॉपर सेमिनार है। तो यदि आप लोगों की रुचि हो तो इसी लिंक के ऊपर कल 10:30 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं तीनों आज के विद्वान वक्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इससे अब एक थर्ड सीरीज भी शुरू होगी। तो थर्ड इसका एस्पेक्ट पर भी बात होगी, क्योंकि कोर्सेज कैसे डिजाइन होंगे, किस तरह से स्टूडेंट्स को ध्यान में रखा जाएगा और किस तरह से हम विल बी अकाउंटेबल टू अवर एजुकेशन सिस्टम, विल बी अकाउंटेबल टू अर्थ एंड ह्यूमैनिटी, इसके ऊपर विचार करने के लिए कोई ना कोई तीसरा कदम भी लिया जाएगा, जैसे बामन का तीसरा कदम था। तो मैं चाहूंगा कि इसका विषय में विचार हम करें। और इन्हीं सब शब्दों के साथ डॉक्टर दिनेश्वर मिश्र जी का, डॉक्टर प्रमोद वाजपेयी जी का और डॉक्टर संजय झा जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपना समय दिया, अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। लेकिन ये ज्ञान साझा करना हमारी मनुष्यता का प्रथम लक्षण है मैं समझता हूँ, और लेने वालों का भी और देने वालों का भी ये संबंध बना रहे। और इसी के साथ आप सभी का पुनः आभार, धन्यवाद। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग, एवरीवन कैन लीव द मीटिंग सर। रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ हम शेयर कर लेंगे, कल तक शेयर कर लेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर वाजपेयी जी, थैंक यू संजय जी, डॉक्टर दिनेश्वर मिश्र जी सर, आपका तो बहुत बहुत आभार। और अभी आपके साथ दोबारा एक चर्चा होगी इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर, इन टॉक्स अबाउट दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा वो प्लीज अपना फॉर्म लिंक कर दीजिए, भर दीजिए। हेलो, हाँ जी सर जी, किसी ने कुछ पूछना है या कहना है तो जनपल में जी। सर ये फीडबैक नहीं भरा जा रहा था जी, ये फीडबैक फॉर्म जो है फोन पे भरा नहीं जा रहा था। भरा नहीं जा रहा, कहाँ दिक्कत आ रही है? हेलो जी, फॉर्म भरने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सुनी नहीं चाहिए आपको। फोन पे खुल नहीं रहा था। नहीं नहीं खुलेगा, आप आराम से कुछ टेक योर टाइम, नो इशू। सर्टिफिकेट मिल जाएगा जी? जी आपको शाम तक पहुंच जाएगा। एक बार ये सारे लोग क्लियर कर लें अपना, डेफिनेटली पहुंच जाएगा। अगर ईमेल ठीक दीजिएगा आप। हेलो जी, हेलो जी सर, सर जी जो वेबिनार का जो नोटिस है वो कौन से साइट पे आती है? वो आपको हम यूट्यूब पे भी डाल देंगे और वैसे भी भेज देंगे। अब आप लोगों के एड्रेसेस हैं हमारे पास, आप लोग। नमस्कार सर, मैं दीपक प्रसाद रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। हेलो जी सर जी, नमस्कार सर, मैं दीपक प्रसाद रांची झारखंड से बोल रहा हूँ। जी सर बताएं। सर काफी समय तक मैंने सुना, अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। सर एक्चुअली वो फीडबैक का फॉर्म मुझे उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस लिंक पे मैं सुन पा रहा हूँ। आप देखिए, बहुत बार रिपीट किया हुआ है, चैट में देखें आप। चैट में एक फॉर्म आ रहा है सर बार बार, http://forms.gle, ये वाला फॉर्म है ब्लू कलर में। जी जी जी, हाँ जी जी
तो इन्हीं को इसी ये फीडबैक फॉर्म में तो आप क्लिक करिए, वो फॉर्म खुलेगा और आप जो है वो भरे उसको। अच्छा, तो वो तो सर मैंने कर दिया है। बस कर दिया, आपके ईमेल ठीक हो तो आपको तुरंत पहुंच जाएगा सारा कुछ। अच्छा, तो ऐसा तो हाँ जी ये जादुई दुनिया है भाई, आप कॉमेडी का मतलब है। जी सर, इसमें काफी अच्छा है सर ये। धन्यवाद, मैंने तो इसको भर दिया है लेकिन मेल पे आए नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर, वेरी वेल। बस मेल ठीक होनी चाहिए, फिर तो दिक्कत नहीं है। अगर मेल में गड़बड़ है तो वो ठीक नहीं होगा, फिर वो उन्हें पहुंच पाएगा। हाँ, कोई बात नहीं सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी।